हेलो भाई, मैं वहाँ की होंडा वाले भी बहुत चलाक है भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। इन्होंने कुछ टाइम पहले CV 350 को नहीं लॉन्च करा है, बिल्कुल ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लुक पे। उस गाड़ी को इन्होंने इंडिया में ही बेचने के लिए नहीं बनाया है भाई, अदर कंट्री में भी बेचेंगे दबा के। इनका दिमाग बहुत ही तगड़ा है भाई, मैं आपको बताता हूँ हर चीज डिटेल में, वीडियो में बने रहे। ये लोग भाई CV 350 को जापान में भी लॉन्च कर दिए हैं। पहले जापान में CV 350 RS और हाईनेस CV 350 जाया करता था, ठीक उसी प्रकार ये गाड़ी भी जाएगी भाई, एक्सपोर्ट होके बनेगी तो इंडिया में ही, लेकिन एक्सपोर्ट किया जाएगा, जितना डिमांड होगा उतना ये गाड़ी जाएगी। लेकिन हाँ, एक चेंजेस हो जाएगा, हाईनेस अब जापान में नहीं बिकेगी, वहां पे बस ये CV 350 बिकेगी और आपकी CV 350 RS बिकेगी। हाईनेस को ये लोग जापान में डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। अब इंडिया में हाईनेस बंद होगी कि नहीं बंद होगी इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इन्होंने CV 350 को जापान में लॉन्च करा है दूसरे नाम से भाई, और वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस भी कम करा है हमारे इंडिया से। वहाँ पे इन्होंने नाम रखा है GB 350C, मतलब हमारे यहाँ CV 350 है और वहाँ पे GB 350C, मतलब अजीब सा नाम है यार, बोलने में ही अजीब सा लग रहा है। जैसे मैं आपको एक बार बोल के दिखलाता हूँ, होंडा GB 350C, अजीब सा नहीं लग रहा, लेकिन यही नाम से गाड़ी वहाँ पे बिकेगी भाई। और इसके अलावा जैसे अपने को इंजन 348.36 cc का मिलता है ना, 4-stroke सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन प्रोग्राम वाला, तो वहाँ पे भी यही वाला सेम इंजन मिलेगा और पावर वगैरह टॉर्क वगैरह भी बिल्कुल ही सेम ही रहेगा वहाँ पे। कुछ इन्होंने मैकेनिकली छेड़छाड़ नहीं करा है, लेकिन हाँ इन्होंने कलर में जरूर छेड़छाड़ करा है भाई। अपने यहाँ ये गाड़ी 5 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है, 2 वेरिएंट के साथ, वहाँ पे भी 2 ही वेरिएंट के साथ बिकेगी, लेकिन कलर अलग अलग मिलेगा। जैसे इन्होंने ट्वीट करा है, देख सकते हो आप, ये वाला एक कलर तो अपने यहाँ मिल रहा है इंडिया में, लेकिन ये वाला जो कलर है ना, ये अपने यहाँ नहीं मिल रहा भाई। मेरे हिसाब से ये वाला कलर भी इंडिया में लॉन्च करना चाहिए इनको, काफी चटकदार ये कलर लग रहा है भाई, लेकिन ये कलर जापान के लिए बनाया है होंडा ने। बाकी जापान में रॉयल इनफील्ड की क्लासिक बिकती है कि नहीं बिकती इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है भाई, बिकती होगी यार, रॉयल इनफील्ड वाले भी तो अपनी गाड़ियों को अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिकती जरूर होगी, लेकिन भारी मात्रा में नहीं बिकती होगी क्योंकि वहां पे तो होंडा ही किंग है भाई, जैपनीज कंपनी है होंडा। तो यही था एक होंडा की तरफ से अपडेट, मैंने सोचा अपने भाइयों को दे दिया जाए अपडेट। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, साथ ही कुछ सीखने को मिला होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।